सत्यपाल मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि वो जम्मू कश्मीर के हालात सुधारना चाहते हैं, वो चरमपंथियों को अपने गले लगाना चाहते हैं, वो अपने साथ बिठाकर उन्हें खाना भी खिलाना चाहते हैं, बशर्ते ये लोग मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। क्या वाकई में ये इतना आसान है? क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो सियासी कल्चर है, जो सियासी क्लेवर है, वो कई मायनों में दूसरे राज्यों से अलग है। धारा 370 में जम्मू कश्मीर को लेकर जो खास रियायतें दी गई हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग उन रियायतों को छोड़कर वास्तव में धारा 370 के पक्ष में देश के बाकी राज्यों के साथ मिलना पसंद करेंगे। आइए आपको बताते हैं कि धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को किस तरह के खास फायदे दिए जा रहे हैं। भारतीय संविधान की धारा 370 जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करती है। ये एक विशेष अनुच्छेद वाली धारा है जो जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा अधिकार देती है। भारतीय संविधान में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध संबंधी भाग 21 का अनुच्छेद 370 जवाहरलाल नेहरू के विशेष हस्तक्षेप से तैयार किया गया था। धारा 370 के प्रावधानों के मुताबिक संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है। किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की सहमति लेनी पड़ती है। जम्मू कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती। भारत के अन्य राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते। संविधान की धारा 360 यानी देश में वित्तीय आपातकाल लगाने वाला प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। केंद्र में जिस तरह से पीएम मोदी लगातार जम्मू कश्मीर में विकास की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने की बात कर रहे हैं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का बहिष्कार तक करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अपनी विदेश यात्रा के लिए पाकिस्तान की बजाय दूसरे देश से उन्होंने किर्गिस्तान जाना बेहतर समझा, तो क्या ऐसे में यही माना जाए कि पुलवामा हमले के बाद जिस तरह का चेहरा पाकिस्तान का सामने आया है और जिस तरह से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काने का काम करता रहा है, ऐसे में बीजेपी की जो नीति है वो जम्मू कश्मीर में कामयाब हो जाएगी? क्या वास्तव में जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A को लेकर केंद्र सरकार कोई ठोस नीति बना पाएगी? ये वाकई आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा। इस पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।